तो चलिए लाख टके की बात में अब आपको मिलवाते हैं भारतीय सेना का हिस्सा बने उन डॉग्स से जो भीड़भाड़ वाले इलाके में ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं, खासकर कोविड जैसे वायरस की पहचान के लिहाज से भी। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र की ये रिपोर्ट देखिए। जिस तरह ये डॉग इस सैंपल को सूंघकर पता लगा रहा है कि कौन सा सैंपल कोरोना पॉजिटिव है, ठीक इसी तरह से ये डॉग इंसान को सूंघकर बता देंगे कि कौन कोरोना से पीड़ित है और कौन नहीं। कोरोना के खिलाफ जंग में उतरे इन डॉग सोल्जर को इंडियन आर्मी ने ट्रेंड किया है। ये चिप्पी पराई और कॉकर स्पेनियल ब्रीड के डॉग है। इन डॉग्स को मेरठ कैंप में ट्रेंड किया गया है और इनकी पहली तैनाती दिल्ली के आर्मी ट्रांजिट कैंप में की गई है। यहाँ से सेना का दल फॉरवर्ड पोस्ट पर जाता है। कोविड 19 को डिटेक्ट करने के लिए अब सिर्फ आरटीपीसीआर या एंटीजन जैसे ही टेस्ट नहीं, बल्कि आप देखें तो ठीक सामने जो डॉग के ब्रीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये वायरस दरअसल सैंपल में मौजूद है या फिर नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि आर्मी ने इनको डेवलप किया है, खासतौर पर ट्रेन किया है। सैंपल्स से निकलने वाली जो गंध है उस गंध के बायो मार्कर के जरिए ये आसानी से पहचान लेते हैं कि ये सैंपल कोविड 19 पॉजिटिव व्यक्ति का है या फिर नेगेटिव व्यक्ति का है। ये डॉग इंसान के यूरिन और पसीने की गंध सूंघ कर कोविड पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते हैं। हमने इंडियन ब्रीड चिप्पी पराई और कॉकर स्पैनियल और लैब्राडोर को ट्रेन किया है। चिप्पी पराई और लैब्राडोर्स को हमने ट्रेन किया है यूरिन सैंपल्स पे। ये डॉग्स यूरिन सैंपल्स में से कोविड 19 के वोलाटाइल मेटाबॉलिक बायोमार्कर जो कि एक सिग्नेचर है उस डिजीज़ का उस सैंपल में, उसको पकड़ता है और बैठकर उसको इंडिकेट करता है। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और जर्मनी समेत दुनिया के कई देशों में कोविड के खिलाफ जंग में मेडिकल डिटेक्शन डॉग का इस्तेमाल हो रहा है। इनकी तैनाती भीड़ भाड़ वाली जगहों पर की जाती है। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।